अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपनी और अपने परिवार की देखभाल करना आज कई लोगों का लक्ष्य बन चुका है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों ऐसे पेड़ और पौधे हैं जो केवल भोजन ही नहीं देते बल्कि इन्हें दवा के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधों में है नीम का पेड़। मानव जीवन पर नीम के पेड़ का महत्व, तो पहला यदि हम इसके महत्व को देखें तो नीम कैन ट्रीट सेवरल डिजीजेस, अर्थात नीम कई बीमारियों के इलाज में काम आता है। नीम का पेड़ नीचे से ऊपर तक कई सारी गुणों से भरा हुआ है। इसकी पत्तियां, फल, फूल, तेल, छाल और यहाँ तक कि इसकी जड़ें भी किसी न किसी बीमारी के इलाज में काम में ली जाती है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही त्वचा, हृदय, बालों, मधुमेह, रक्त संबंधी बीमारियों के इलाज में प्रयोग में होता है। इसकी इतनी सारी औषधि उपयोग की वजह से ही इसे गांव की दवाई की दुकान या विलेज फार्मेसी कहा जाता है। दूसरा, इस पेड़ के महत्व को देखें तो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर कंट्रोल, अर्थात तापमान नियंत्रण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम में से कई लोगों ने यह महसूस भी किया होगा कि जब हम किसी पार्क इत्यादि में घूमने जाते हैं तो नीम के पेड़ के नीचे हमें कुछ अलग सी ठंडक महसूस होती है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहाँ भी नीम के पेड़ों की संख्या अधिक होती है वहाँ का तापमान सामान्य से 9 से 10 डिग्री कम पाया जाता है, और इसलिए गांव के लोग नीम का पेड़ लगाना बहुत पसंद करते हैं। तीसरा, यदि इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो ये एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, अर्थात जैविक कीट नियंत्रक के रूप में भी काम में लिया जाता है। आज के समय में काम में लिए जाने वाले अधिकतर रासायनिक कीट नियंत्रक ज़्यादातर केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनकी वजह से मानव और पर्यावरण दोनों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पाया जाता है। हरित क्रांति के बाद से ही इन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल ज़्यादातर होने लगा है। हमारे पूर्वज तो प्राचीन काल से ही नीम की पत्तियों और बीजों से कीटों का नियंत्रण करते थे। चूँकि नीम एक ऐसा प्राकृतिक कीट नियंत्रक है जिसका रासायनिक कीटनाशकों की तरह कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। चौथा, यदि हम इसके महत्व को देखें तो नीम ट्री कंट्रोल सोइल एसिडिफिकेशन, अर्थात नीम का पेड़ मृदा की अम्लीयता को भी कम करता है, मिट्टी की अम्लीयता और उसके जहरीलेपन को भी ये कम करता है। माना जाता है कि नीम के पत्ते थोड़ा सा अल्कलाइन अर्थात क्षारीय होते हैं। इनका पीएच 7.8 से 8 के आसपास होता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी की एसिडिफिकेशन अर्थात अम्लीयता को कम करने का काम करते हैं। नीम के पेड़ का यह महत्व शहरों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और विभिन्न भौतिक दौड़ की वजह से शहरों की मिट्टी कितनी जहरीली और एसिडिक हो चुकी है। पांचवा, यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो नीम इज यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन, अर्थात विश्व के कई देशों में नीम की डंठल को टूथब्रश अर्थात दातुन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि नीम की डंठल से बने दातुन को अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों में कई सुपरमार्केट्स में डॉलरों में बेचा जा रहा है। इसके इस जीवाणुरोधी गुणों और मसूड़ों की मजबूती में काम आने की वजह से कई टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां अपने टूथपेस्ट में नीम के मिले होने का दावा करती है। छठा, यदि इसके महत्व को देखें तो नीम ट्री कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण में भी यह नियंत्रक के रूप में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नीम के पत्ते बहुत ही घनी और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और हानिकारक डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज शहरों को है। इस पर आप हमारा ये विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। सातवां, यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो नीम ट्री आर आइडियल फॉर सिटीज। नीम के पेड़ों को विपरीत परिस्थितियों में भी पनपते पाया गया है। ये कम पानी शहरों के प्रदूषित वातावरण में न केवल खुद आसानी से पनप जाते हैं, साथ ही शहरीकरण के कई हानिकारक प्रभावों को भी कम कर देते हैं, साथ ही मिट्टी के कटाव को भी कम कर देते हैं। तो साथियों, इसके अलावा यदि आप नीम के कोई विशिष्ट गुणों के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अपने आसपास के लोगों को नीम के पेड़ लगाने के लिए भी जागरूक करें। साथ ही वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगा हो कि कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एवं आभार।
सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।